नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube पर यार पर। और बात करते हैं अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जो कैलेंडर जारी किया जाएगा उसके अंदर कई चीज़ें आपकी बात नहीं देखने को मिलेगी। और जिस प्रकार से अपन एग्जाम देने के बाद में वेट करते रहते थे कि कब आंसर की आएगी, कब रिजल्ट हो जारी होगा, फिर रिजल्ट के बाद में ज्वाइनिंग का उसका जो है झंझट अब खत्म कर दिया है बोर्ड ने। लगभग उसी तर्ज पे बढ़ रही है जैसा कि अध्यक्ष साहब ने ट्वीट किया था पहले कि क्यों ना एक ऐसी जो प्रोसेस स्थापित की जाए कि जो छोटे एग्जाम है 3 महीने में लगभग पूरी हो जाए, थोड़ी उससे ज़्यादा है वो 4 महीने में, और जो बड़े एग्जाम है 5-6 महीने तक पूरी हो जाए। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो अब 15 अक्टूबर तक कैलेंडर जारी होगा आगामी सभी भर्तियों का, लगभग 2025 में और मार्च 2026 तक जो भी एग्जाम होंगी उनका कैलेंडर जारी हो जाएगा 15 या 16 अक्टूबर तक। उसमें कई चीज़ें नहीं देखने में मिलेगी। उसके साथ ये रहेगी कि जैसे एग्जाम डेट आती थी पहले कि ये इधर एग्जाम, फिर एग्जाम के आगे उसकी डेट आती थी, फिर उसके आगे अब ये मिलेगा आपको कि डीवी की डेट कब आएगी और फुल मेरिट कब जारी होगी। मतलब एग्जाम के साथ साथ आपको एग्जाम डेट के बाद में लगभग 3 महीने के अंदर आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा और उसका जो फाइनल मेरिट है वो भी मिल जाएगी। और उसी के दौरान जो है आंसर की, मतलब आंसर की अब आप देख सकते हो कि अरे एग्जाम होती है तो उसके 2-3 दिन बाद में आंसर जारी कर सकता है बोर्ड, इतनी प्लानिंग कर रहा है। तो एक अपने आप में बहुत बढ़िया प्लानिंग है ये, और होना भी ऐसा ही चाहिए कि कम से कम पता तो रहे अपन को, कि नहीं तो वेट करते रहते थे। ऐसा सिस्टम IBPS में होता है। IBPS का कैलेंडर जिस दिन जारी होता है उसके अंदर फिक्स होता है कि इस दिन प्री आएगी, उसके बाद मेंस आएगी, मेंस का रिजल्ट ये आएगा, तमाम जो है 4-5 महीने में पूरा काम हो जाता है। उसी तर्ज पर जो है अधीनस्थ बोर्ड है उसी तरफ आगे बढ़ रहा है। बात करते हैं कि क्या रहेगा नवाचार। तो नवाचार ये रहेगा जैसे सिंगल एग्जाम है, जैसे मान लो एक ही एग्जाम है, एक ही पेपर हुआ है, उसके बाद में और कुछ नहीं है, तो उसका रिजल्ट 3 महीने में आपको देखने को मिल जाएगा कि 3 महीने में होगा वो। उसके अंदर डीवी की डेट आ जाएगी, डीवी के बाद में मेट, फाइनल मेट है वो, और उससे पहले आंसर की। अगर मान लो किसी में मल्टीपल एग्जाम है, 2 एग्जाम है या 3 एग्जाम है, उसका जो रिजल्ट है 4 महीने तक आपको देखने को मिल जाएगा, वही डीवी की डेट और मेरिट की फाइनल जो है। जैसे मान लो पटवारी है या वीडियो, मान लो वीडियो फरवरी में होती है तो फरवरी के 4 महीने और जोड़ दो आप, लगभग जुलाई तक, जून तक, जून या जुलाई तक आपको कंप्लीट जो मेरिट तक हो जाएगा। बाकी जो ज्वाइनिंग का है वो 1-2 महीने रहेंगे बस। तो ये है। और फिर बात करेंगे जैसे कुछ एग्जाम टेक्निकल एग्जाम होती है, JEE की ले लो, ये जूनियर इंस्ट्रक्टर की ले लो या मेडिकल लाइन में ले लो, उनकी 5 महीने तक ये टाइम बताया। इससे क्या रहेगा कि अगर ये इसमें कंडीशन ये भी है कि अगर वो कोर्ट केस का मामला नहीं अटकता है तो ये भर्तियाँ बिल्कुल डे बाय डे रहेगी, और फिक्स टाइम रहेगा इसके अंदर कि इतने दिन में आपको पूरा काम, 3 महीने के अंदर आपको, अगले 3 महीने में नहीं। अभी तक ऐसा चल रहा था कि 3 महीने तक तो आंसर की नहीं आती थी, 3 आंसर की आ गई तो फिर रिजल्ट आएगा, ये होता था। तो अब जो है आंसर की आपको हाथों हाथ देखने को मिल सकती है, या फिर 2-3 दिन के अंदर साथ ही जारी भी कर सकते हैं, इतना कुछ प्लानिंग है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अधीनस्थ बोर्ड के जो कर्मचारी हैं सभी, उनको, अध्यक्ष साहब को भी खास तौर से। और ये था अपडेट आज का आगामी एग्जाम के लिए। और कैलेंडर जो है अब जल्द ही, उसी वजह से लेट हो गया, नहीं तो बहुत जल्द आने वाला था कैलेंडर भी। तो 15 तारीख को बहुत कुछ आने वाला है, कैलेंडर भी देख लो, L2 का रिजल्ट ले लो, और भी जो है डीवी डेट या आंसर की जारी करने का वो। ठीक है साथियों, ये था इन्फॉर्मेशन अपने आगामी एग्जाम के लिए। बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने साथियों साथ शेयर भी करें, लाइक भी कर दिया करो। मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।